topic is differentiation of parametric function. Now what is parametric function? तो कभी कभी हमारे जो variables हैं x और y, ये दो variables किसी और variable के form में, for example this is in terms of t, this is also in terms of t, तो x और y दोनों किसी दूसरे वेरिएबल जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पे t के फॉर्म में है, मे बी इन थीटा, x इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू g ऑफ थीटा। तो इस केस में हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड करें? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली dy by dx नहीं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है, तो हम x का डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर अगर ये थीटा के फॉर्म में होता तो dx by d थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम dy का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, बट वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx। सो हाउ टू फाइंड दिस dy by dx? तो dy by dx अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं dy by dx, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dt और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dt, सो ये एडजस्ट हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं dy by dt upon dx by dt, so dy by dx is equal to dy by dt, dy by dx is equal to this dy by dt upon dx by dt। तो इस formula की help से हम dy by dx find out कर सकते हैं। हम यहाँ पर dy by dt हमने जो यहाँ पर find out किया है उसकी जो value आई वो यहाँ replace करेंगे, यहाँ पे जो हमें dx by dt मिला उसकी value हम यहाँ पर replace करेंगे, तो हमें इसके लिए dy by dx मिल जाएगा। So this is known as parametric function, और ये जो t है या थीटा के फॉर्म में या किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये याद रखना है dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, अगर x और y t के फॉर्म में हो। अगर x और y थीटा के फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो वो दोनों हम अलग से फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ वी सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन। इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव गिवन एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टू ए टी, वेयर दिस ए इज कॉन्स्टेंट and we want to find out dy by dx. So we know that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, जो हमने previously किया उससे। तो dy by dx find करने के लिए dy by dt find करना पड़ेगा। So dy by dt, y is equal to 280. So y का हम derivative करते हैं with respect to t. So 2a is constant, t का डेरिवेटिव 1, सो आंसर इज 2a। तो हम dy by dt की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2a। सिमिलरली वी वांट dx by dt, सो यहां पे हम dx by dt कर दें, सो a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, सो दिस इज 2at। तो dx by dt की जगह पे हम रिप्लेस कर दें 2at, सो दिस 2a 2a कैंसिल, वी लेफ्ट विद 1 upon t, so dy by dx is equal to 1 upon t। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन थे x और y, दोनों किसी और वेरिएबल के फॉर्म में थे। यहाँ पर x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, where a and b are constant, so x और y यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, so पैरामीटर is theta and we have to find dy by dx, so x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, हमें find out करना है dy by dx। तो यहाँ पर t parameter था, t के form में था, यहाँ पे वो theta parameter है, theta के form में है। So
So dy by dx is equal to, यहाँ पे हमने dy by dx लिखा था, dy by dt upon dx by dt, because t was parameter. यहाँ पे हम लिखेंगे dy by d theta upon dx by d theta. अब हमें ये dy by d theta और dx by d theta find करना है. So dy by d theta is equal to, b constant है, sin theta का derivative cos theta. तो dy by d theta की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं b cos theta upon dx by d theta. So dx by d theta हो जाएगा यहाँ से, a constant है, cos theta का derivative minus sin theta. So this is equal to minus a sin theta. तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे minus a sin theta. So answer is minus b by a, ये minus हमने ऊपर लिख दिया, cos theta upon sin theta, that is cot theta. So dy by dx is equal to minus b by cot theta. तो पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए हमें ये जो फॉर्मूला dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, या फिर थीटा के फॉर्म में तो थीटा लिखेंगे, या फिर कोई और वेरिएबल के फॉर्म में तो वो लिखेंगे. दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देने हैं और उनकी वैल्यू उसमें रिप्लेस कर देनी है, तो हमें dy by dx बहुत ईजिली मिल जाएगा. Here, x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a times 1 minus cos theta. We have to find out dy by dx. So here x and y both are in terms of theta. So parameter is theta. Here a is constant and we have to find dy by dx. So we have given x is equal to a times theta plus sin theta and y is equal to a times 1 minus cos theta. We have to find out dy by dx. So dy by dx will be dy by d theta upon dx by d theta. तो ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसमें हम रिप्लेस करेंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन. So here x is equal to a times theta plus sin theta. इसका हम डेरिवेटिव कर दे dx by d theta is equal to a is constant. Theta का डेरिवेटिव हो जाएगा with respect to theta 1. प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा. यहां पे वाई का डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ए इज कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. सो ए साइन थीटा. तो हमें डीवाई बाई डी थीटा और डीएक्स बाई डी थीटा दोनों मिल गए, इन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं. सो डीवाई बाई डी थीटा इज ए sin theta upon dx by d theta is a 1 plus cos theta. यहाँ a और a cancel, sin theta upon 1 plus cos theta. ये आंसर तो हमें मिल गया फ्रेंड, बट इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं. क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो वो हम यहाँ देखते हैं. sin theta की फॉर्मूला होती है, sin theta का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है. So sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. यानी यहाँ पे अगर 2 theta है, तो ये हो जाएगा 2 sin theta cos theta. तो हमें sin theta के लिए लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 cos theta by 2. इस तरह से हम इसके लिए लिख सकते हैं. तो हम sin theta की जगह पे replace कर देंगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Now next, 1 plus cos theta की हमें लिखनी है. So 1 plus cos theta का हम simplification कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पे cos 2 theta की एक formula है, 2 cos square theta minus 1. cos 2 theta, ये सब formula में trigonometry chapter में पढ़ी हुई है. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. So ये formula है cos 2 theta की. इसी में अगर मैं 2 theta की जगह पे theta replace कर दूं, cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1. यहाँ पे हमने theta कर दिया, तो ये theta by 2 हो गया. अब हम
इस माइनस वन को इस साइड ले आते हैं तो वो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो फ्रेंड हम ये वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू रिप्लेस कर सकते हैं। सो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। नाउ यहां पर से कॉस थीटा बाय टू और ये एक पावर कैंसल, ये टू टू कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, सो विच इज इक्वल टू टेन थीटा बाय टू। सो अवर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। तो फिर से फ्रेंड x y हमें दिए हुए थे, हमने dx / d थीटा dy / d थीटा फाइंड आउट कर लिया, dy / dx की फार्मूला dy / d थीटा / dx / d थीटा, इसका हमने यहां पर सिंपलीफिकेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिए ये दो वैल्यू। अब sin थीटा के लिए हमने ये वाली फार्मूला यूज की, sin थीटा = 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 यहां पर हमने रख दिया। हमारे पास ये फार्मूला थी ट्रिगोनोमेट्री की। फिर हमने 1 प्लस कॉस थीटा के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज की, ये फॉर्मूला हम कहां से लाए, सो ट्रिगोनोमेट्री की कॉस 2 थीटा की वैल्यू थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां 2 थीटा की जगह पे हमने थीटा लिख दिया, तो ये थीटा की जगह उसके हाफ, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ हो गया थीटा बाय 2। यहां से हमने माइनस 1 को इस साइड ले आए, 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू हमने यहां पर रिप्लेस कर दी इन दोनों को। तो यहाँ पे cos थीटा बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक cos थीटा बाय 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, सो dy / dx इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। तो इस तरह से हम स्टेप के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसका मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन करने का ट्राई किया। कभी-कभी एग्जांपल प्रूव दैट में भी होते हैं कि प्रूव दैट dy / dx इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2, इन दैट केस इट इज कंपलसरी टू सिंपलीफाई दैट, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू 1 बाय 2 t प्लस 1 अपॉन t एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 2 t माइनस 1 अपॉन t एंड वी हैव टू फाइंड dy / dx। So here x and y both are function of t, वो t के function है। तो हमें dy / dx find out करना है, फिर से dy / dx is equal to dy / dt upon dx / dt। तो हम पहले dx / dt और dy / dt find करते हैं, फिर उसे replace कर लेंगे। So dx / dt is equal to 1 by 2 constant है, उसे हम बाहर ले लेते हैं, t का derivative हो जाएगा with respect to t 1 प्लस 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव कैसे करें फ्रेंड हम, सो 1 अपॉन टी को हम लिख सकते हैं टी रेस टू माइनस 1। अब टी रेस टू माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy / dt ऑफ टी रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आगे आ गया टी रेस टू माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन या फिर माइनस 1 टी रेस टू माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और ये हमने फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रखा था कि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में की थी 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो आया इस तरह से। तो अब 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, सो 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एलसीएम आ गया इसका टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस 1। चलिए सिमिलरली हम यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे dy / dt इज इक्वल टू 1 / 2, टी का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस, यहां 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव फिर से माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 / 2 1 प्लस 1 अपॉन
square. So this is equal to 1 by 2. इसका हम LCM ले लें. LCM is t square. So t square plus 1. तो हमें यहाँ dx by dt मिल गया. यहाँ dy by dt मिल गया. So now dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So this is equal to dy by dt की वैल्यू है 1 by 2 t square plus 1 upon t square upon dx by dt की वैल्यू है 1 upon 2 t square minus 1 upon t square. तो ये 1 by 2 cancel, ये t square cancel, तो आंसर हमें मिल गया t square plus 1 upon t square minus 1. So this is our dy by dx. So इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही इजी एग्जांपल है पैरामेट्रिक फंक्शन के भी. हमें सिर्फ x और y का डेरिवेटिव करना है, जो भी पैरामीटर दिया है उसके रिस्पेक्ट से. फिर ये फॉर्मूला dy by dx वाली यूज करनी है, dy by dt upon dx by dt या dy by d theta upon dx by d theta, और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका जो भी सिंपलीफिकेशन हो सके वो हमें सिंपलीफिकेशन करना है. सो आई होप पैरामेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल अगर आएंगे एग्जाम में तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे. नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन किया था कि वो f ऑफ x की कुछ पावर है सपोज कांस्टेंट, x रेस टू 2, x रेस टू 3 ऐसा कुछ है, या फिर k की पावर है सपोज g ऑफ x सपोज a रेस टू x, इस टाइप के फंक्शन के साथ में हमने डील किया. नाउ इफ वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट f ऑफ x raised to g of x, जिसमें बेस भी वेरिएबल के फॉर्म में है, पावर भी वेरिएबल के फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल x raised to x, sin x raised to x, तो इस टाइप के अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो उसे हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे. अब वो कैसे सॉल्व करें हम, तो वो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीधे का ट्राई करेंगे. तो एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x रेस टू x, फाइंड dy by dx सॉल्यूशन. यहां पे y इज इक्वल टू x रेस टू x है. अगर हमारे पास x स्क्वायर x रेस टू n होता तो हमारे पास फॉर्मूला है, a रेस टू x ऐसा कुछ है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है. लेकिन यहां x रेस टू x, बेस भी वेरिएबल है उसकी पावर भी वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सो हियर वी विल टेक लॉग, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लें. सो वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग x raise to x. अब हम इसका जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन करना है. सो log y is equal to, log का जो रूल है उस रूल से हम लिख सकते हैं x log x. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. log की फॉर्मूला क्या है कि log x raise to n is equal to n log x, यानी जो पावर है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है. तो उस फॉर्मूला से ये जो भी पावर है उसे हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग लॉग. लॉग लेने का जो एडवांटेज है वो पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन रूल से उसके साथ में बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं. सो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो गया. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइप में आ गया, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां पे x और log x का मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे. सो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस
log x as it is x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 अपॉन y dy by dx is equal to ये x x कैंसिल, वी लेफ्ट विथ 1 प्लस log x, यहां से हम dy by dx को अगर सब्जेक्ट बना दें, सो दिस इज इक्वल टू y, ये y सामने चला गया मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस log x, सो dy by dx is equal to, ये जो y है वो हमें दिया हुआ है एग्जांपल में x raised to x, तो हम वो रिप्लेस कर सकते हैं x raised to x 1 प्लस log x, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to x raised to x. तो फिर से पेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, या फंक्शन की पावर वेरिएबल, ऐसा कुछ हमारे पास में है तो हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, और लॉग की जो फॉर्मूला है पावर रूल, तो पावर को हम लॉग के आगे मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं, और फिर हम उसका डेरिवेटिव जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे उसकी हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और dy by dx बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें जो y मिला था, y जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो dy by dx का आंसर हमें यहाँ पे x के फॉर्म में मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल है y is equal to sin x raised to x plus x raised to cos x and we have to find dy by dx. तो यहाँ पे friends y is equal to sin x raised to x plus x raised to cos x. यहाँ पे दो टर्म है और बीच में एडिशन है, तो अगर हम log लेंगे तो log लेने से हमें जो पावर आगे लानी है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं. तो उसके साथ टैकल करने के लिए हम यहाँ पे y को लिख देते हैं u प्लस वी, वे दिस यू इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स एंड वी इज इक्वल टू एक्स रेस टू कॉस एक्स. अब हमें इसका अगर डेरिवेटिव करना है dy by dx, सो dy by dx विल बी du by dx प्लस dv by dx. इस तरह से हम ये dy by dx बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. u के लिए हम du by dx फाइंड कर सकते हैं लॉगरिदमिक की मेथड से, v के लिए भी dv by dx हम फाइंड कर सकते हैं लॉगरिदमिक मेथड से. तो हमें यहाँ पे du by dx और dv by dx फाइंड आउट करना है और उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो अब हम पहले u जो हमें लिया है, u is equal to sin x raised to x, इसके लिए हम du by dx फाइंड करते हैं, फिर हम v के लिए dv by dx फाइंड करेंगे और उसे यहाँ 1 में रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे sin x की पावर x है, यानी फंक्शन की पावर वेरिएबल है, तो हमें लॉगरिदमिक की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट log u इज इक्वल टू log sin x raised to x. तो log की हेल्प से, log के पावर रूल की हेल्प से ये जो x है वो आगे आ जाएगा, सो x log sin x. अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ log u है, तो जैसे हम y log y का डेरिवेटिव करते थे 1 अपॉन y dy by dx, उसी तरह से हम log u का डेरिवेटिव करेंगे, तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u du by dx, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du by dx. अब यहाँ पे हमें इसका करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x into log sin x, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, सो x as it is d by dx of log of sin x plus log of sin x as it is
d by dx of x. अब हम ये टर्म सिंप्लीफाइड करते हैं यहां पर. सो 1 अपॉन u du by dx, दिस इज इक्वल टू x. अब हमें ये log sin x का डेरिवेटिव करना है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, log के अंदर sin x है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे log समथिंग. log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, तो log sin x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन sin x. अब हम अंदर जाएंगे तो हमें sin x मिला, तो हम यहां पे लिखेंगे d by dx of sin x. लेकिन d by dx of sin x लिखने की जगह हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर प्लस log sin x, और d by dx of x is 1. So this is equal to x, और ये cos upon sin x हो जाएगा cot x, cot x plus log sin x. ये हुआ 1 upon u du by dx. So du by dx is equal to, ये u सामने चला जाएगा multiplication में, x cot x plus log sin x. अब हम u की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देते हैं, सो हमारा u जो था वो sin x raised to x. सो sin x raised to x, और फिर ये x cot x plus log sin x, तो ये हमें मिल गया du by dx. तो ये du by dx की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देनी है. So du by dx will be replaced over here. अब हमें dv by dx find out करना है, तो v क्या था हमारा, तो हमारा v है v is equal to x raised to cos x, again taking log on both the sides. तो हमें मिलेगा log v is equal to log of x cos x, तो ये हो जाएगा log v is equal to cos x आगे into log x. अब हम यहां differentiate करेंगे, so differentiating with respect to x, x के रिस्पेक्ट से differentiate करते हैं. तो जैसे हमने log u का differentiation किया था 1 upon u into du by dx, log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon v dv by dx is equal to, यहां मल्टीप्लिकेशन रूल, सो cos x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of cos x. So this is equal to cos x, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 upon x plus log x as it is cos x का डेरिवेटिव हो गया minus sin x. तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया cos x upon x minus log x into sin x. तो ये है हमारे पास 1 upon v dv by dx. तो यहां से dv by dx is equal to, ये v उस साइड चला जाएगा, so v times cos x upon x minus log x into sin x. अब हम यहां पे v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो v था हमारा x raised to cos x, यहां से हमने स्टार्ट किया था, तो x raised to cos x into cos x upon x minus log x into sin x, ये हो गया हमारा dv by dx. तो हमें जो चाहिए था dy by dx, वो हमें मिला du by dx plus dv by dx. हमने du by dx find out कर लिया,
हमने dv by dx फाइंड कर लिया, अब इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर सिंपली रिप्लेस कर देंगे तो हमें dy by dx मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये दो वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, सो dy by dx is equal to du by dx, du by dx is sin x raised to x, x cot x plus log of sin x, ये हो गया हमारा du by dx plus dv by dx, तो dv by dx की वैल्यू जो हमें यहां पे मिली x raised to cos x, cos x upon x minus log x into sin x, तो ये हमें dy by dx मिल गया। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में जो हमें दिया हुआ था कि दो टर्म का एडिशन था, तो यहां पे हमने y is equal to u plus v सपोज कर लिया, where u is equal to this and v is equal to this, हमने दोनों का डेरिवेटिव किया du by dx, dv by dx, तो वो दो अलग अलग एग्जांपल, दोनों में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज किया। सर जरूर नहीं, शायद यहां पे जो v है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर वेरिएबल ना हो तो सिंपल फॉर्म में भी उसका हो सकता है, लेकिन यहां पे दोनों उस फॉर्म के थे तो दोनों के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ा, दोनों की जो वैल्यू मिली उसे हमने यहां पे रिप्लेस कर दी तो हमें आंसर मिल गया। हो सकता है यहां पे एक और टर्म हो प्लस w, तो वहां पे हम उसे u plus v plus w कर देंगे, तो वो तीन एग्जांपल हो जाएंगे। आप u का डेरिवेटिव करिए du by dx, v का डेरिवेटिव करिए dv by dx, w का डेरिवेटिव करिए dw by dx, और फिर यहां पे dy by dx is equal to तीनों का एडिशन हो जाएगा, that will be our answer। So I hope friend के इस टाइप के एग्जांपल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। हमें याद इतना रखना है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर फंक्शन, इस टाइप का कुछ भी अगर आए तो हमें लॉग की हेल्प लेनी है, क्योंकि लॉग के रूल से जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही इजीली यूज करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन से यू, एक फंक्शन जिसे हम यू कह देंगे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन से वी। तो हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। अभी तक हमारे पास वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन एक्स था, तो हम y का डेरिवेटिव फाइंड करते थे x के रिस्पेक्ट से dy by dx। यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है f of x, g of x, हमें क्या फाइंड करना है f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से। तो इसे हम कैसे करें फ्रेंड्स, तो इसे हम कुछ सपोज कर देंगे, लेट u is equal to f of x and v is equal to g of x। तो दो फंक्शन हो गए, हमने नाम दे दिया, एक को नाम दिया u और एक को नाम दिया हमने v। अब हमें फाइंड करना है f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से, मींस हमें फाइंड करना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से, तो उसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं du by dv, यानी हमें du by dv फाइंड करना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से, मींस f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से। तो ये कैसे फाइंड करें, so this is similar like parametric function, जहां पे हमारा x और y theta या t का function था, तो हम dy by dx जिस तरह से find करते थे, similarly हम ये भी find करेंगे। यहां पे u जो है वो x का function है, तो हम बहुत ही easily du by dx find out कर सकते हैं, similarly यहां पे v g of x का function है, तो हम dv by dx बहुत easily find out कर सकते हैं। तो अब हम du by dv को लिख सकते हैं du by dx, यानी यहां पे जो हमें मिला upon dv by dx जो यहां पे मिला, इन दोनों का हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो हमें du by dv means u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, या फिर हम कह सकते हैं f of x
का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हमने दो फंक्शन को कुछ नाम दे दिया, फिर डी यू बाई डी वी करने के लिए डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, इट इज लिटिल बिट सिमिलर लाइक पैरामेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसका हम एग्जांपल करते हैं। डिफरेंशिएट 2 रेस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो यहां 2 रेस टू एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, हमें 2 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से चाहिए। तो हम सबसे पहले हम दोनों को कुछ नाम दे देंगे। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे यू नाम दे दिया सपोज, सो लेट यू इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स एंड v is equal to x square. अब हमें फाइंड करना है du by dv, यानी 2 raised to x का differentiation with respect to x square. So du by dv कैसे फाइंड करें? तो हम u का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ x. हम v का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज v इज फंक्शन ऑफ x. चलिए, तो यहां पे डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 रेस टू एक्स है, तो 2 रेस टू एक्स यानी ए रेस टू एक्स वाली फॉर्मूला। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई, तो 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेस टू एक्स लॉग 2 बेस ई। चलिए, वी का डेरिवेटिव करना है, सो डी वी बाई डी एक्स, तो dv by dx x square and x raised to n की फॉर्मूला, तो x square का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये दोनों हमें मिल गए, इन दोनों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। सो du by dx is 2 raised to x log 2 base e upon 2x. So this is nothing but du by dv. So this is differentiation of 2 raised to x with respect to x square. चलिए, next example है, differentiate x square with respect to log x. तो फिर से यहाँ पे let एक को हमने नाम दे दिया u और दूसरे को हमने नाम दे दिया v. So u is equal to x square, v is equal to log x, दोनों x के function होंगे। अब हमें फिर से du by dv find करना है, so du by dx upon dv by dx. तो यहाँ हम u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv by dx, सो दिस इज इक्वल टू 1 by x. अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें, सो du by dx इज इक्वल टू 2x upon dv by dx इज इक्वल टू 1 over x. तो ये x ऊपर चला जाएगा, so 2x into x, so this is equal to 2x square. So du by dv is equal to, हमें मिल गया 2x square, means x square का derivative log x के respect से du by dv is equal to 2x square. तो जैसे हमने parametric function में किया था, same method ही यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। एक को हमने नाम u दे दिया, दूसरे को नाम हमने v दे दिया, और u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से यहाँ पे हमने कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan square x. तो फिर से हमने लेट u इज इक्वल टू sin x एंड v इज इक्वल टू tan square x. अब हमें du by dv चाहिए, तो du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. तो हम u का derivative with respect to x कर देते हैं, so du by dx sin x का derivative हो गया cos x, v का derivative with respect to x, so dv by dx is equal to tan square x का derivative हो गया 2 tan x into tan x का डेरिवेटिव sec square x. फिर से फ्रेंड समझिए आप, ये कंपोजिट फंक्शन टाइप का है, tan square x है, तो x square वाली फॉर्मूला यानी 2x, तो 2 tan x, और फिर हमने tan x का डेरिवेटिव किया, तो tan x का डेरिवेटिव है sec square x. अब
हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है, सो du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx, तो ये वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, सो du by dx इज cos x अपॉन ये हो गया 2 tan x इनटू sec स्क्वायर x, तो इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कर दिया, आंसर ही है लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो cos x अपॉन 2 tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो यहां नीचे cos x into cos square x, तो ये हो गया cos cube x, तो वो ऊपर चला जाएगा, so cos x into cos cube x, ये denominator का denominator जो है cos x into cos square x, वो हो गया cos cube x और वो ऊपर चला गया upon 2 sin x रह गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 2 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख देते हैं कॉसेक एक्स, और ये कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स हो गया कॉस रेस टू 4 एक्स, फिर से फ्रेंड 1 अपॉन 2 1 अपॉन साइन एक्स को हमने लिख दिया कॉसेक एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को हमने लिख दिया कॉस रेस टू 4 एक्स, तो ये हमारा हो गया डी यू बाय डी वी मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट से, सो फिर से लेट यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, हमें फिर से डी यू बाई डी वी चाहिए, तो हम यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से कर देते हैं, so du by dx is equal to sin inverse x का डेरिवेटिव होता है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा है वो हमें यहाँ यूज करना है, सो sin inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली dv by dx ये cos inverse x है, फिर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से फ्रेंड हमें फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आती है तो हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी करके सभी फॉर्मूला खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, नाउ डी यू बाय डी वी मीन्स यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट से, मीन्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव cos inverse x के रिस्पेक्ट से, सो दिस इज इक्वल टू du by dx upon dv by dx, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दें हम, सो du by dx है 1 upon root 1 minus x square upon dv by dx की वैल्यू हमें मिली minus 1 upon root 1 minus x square, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये रह गया 1 upon minus 1 which is equal to minus 1, so du by dv is equal to minus 1, तो sin inverse x का derivative cos inverse x के respect से हमें मिला minus 1, तो इस तरह से हम एक function का derivative दूसरे function के respect से बहुत ही easily कर सकते हैं, simply हमें नाम दे देना है एक पहले function को u और फिर v, u का derivative v के respect से du by dv हो जाएगा du by dx upon dv by dx, दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए।